क्या बात है, जीते रहो लाल जीते रहो। यह रिकॉर्डिंग बहुजन म्यूजिक मंच से कराई जा रही है, हमारे बड़े भाई अभिमन्यु यादव जी के देखरेख में कराई जा रही है। तो लिखा गया कि भारत की निराली शान है अंबेडकर, मुसलमानों ने कहा मुसलमान है अंबेडकर, मनु नादान है अंबेडकर, दलित पिछड़ा वर्गों ने कहा मेरा भगवान है अंबेडकर। साथियों, इस देश में अंग्रेजों वापस जाओ का नारा चल रहा था और हमारे देश के रणबांकुरे जवानों ने अपनी जान की आहुति दी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कितने नौजवान फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन फिर भी ये देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेजों ने आखिरी फैसला किया, है कोई माई का लाल जो संविधान बना करके दे दे तो हम लंदन चले जाएंगे। मैं पूछता हूं कि कहां गई थी मोतीलाल की वरिष्ठरी और कहां था ये पंडित जी का पतरा जिसमें केवल ग्रहण लगाते हैं। कोई नहीं मिला, मिला तो एकमात्र बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको पढ़ने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत, कोलंबिया विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के आए और देश में खड़ा हो गए। मैं संविधान दूंगा, अंग्रेजों तुमको वापस जाना होगा। कैसे कहे यहाँ तरज बा मास्टर, सनम बे वफाक आ गीत उहे बाम कि वो हरे दुपट्टे वाली सीधी साधी भोली भाली जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, जानम रुक जाना, जानम रुक जाना। तू सलमा है या सुल्ताना, तू सलमा है या सुल्ताना, नाम तो अपना बदलाना, जानम रुक जाना। भैया बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख दिए और क्या लिखे जो आज मामला फंसा हुआ है, क्या लिखे? अरे अंग्रेजों जाओ हमको आजाद बनाओ, जाओ लंदन में, जाओ लंदन में, जाओ लंदन में, जाओ
साथियों, बाबा साहब संविधान लिखते समय पूरे 85 जातियों को हक निर्धारित किया है अपने संविधान में। लिखा क्या कि बनाए अंबेडकर कहा है विधान, पचासी से घबराए कुछ हिंदुस्तानी, साहब ने फरमाया ऐलान जाकर कोई जांच कर ले हिंदुस्तान आकर। तनी भर समझ लें, हमारे देश के नेताओं ने जाकर के कहा अंग्रेजों से कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान तो ठीक बनाए लेकिन उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? तो 85% की ये जातियां यादव से लेकर के निचली कड़ी पर जितने लोहार कुहार राजभर जो ये हक दिए हैं, ये लोग छोटी जात में नहीं हैं, ये लोग बड़ी जात में आते हैं। अंग्रेज कहा कि तब हम भारत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इसका जांच नहीं होगा, जांच करके हम देखेंगे कि ये लोग छोटे हैं, आरक्षण के लायक हैं नहीं हैं, तब दिया जाएगा। अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित किया, कौन सी कमेटी उसका नाम पड़ा मित्रों, अंग्रेजों ने झटपट कमेटी बनाया साइमन कमीशन जो कि कहलाया। कमेटी गठित हो गई तब हमारे देश के नेता नेहरू जी से बात किए कि ये 85% हक जो संविधान के अंदर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर दे दिए हैं, ए यादव ले लेगा, राजभर ले लेगा, चौहान ले लेगा, कुशवाहा ले लेगा, चमार ले लेगा, लोहार कुहार ले लेगा, तो आप लोगों को पंडित जी अब पतरा माचना रहेगा, आलू छीलेंगे आप लोग, डीएम पीएम की कुर्सी नहीं मिल सकती है, इसलिए कि अम्बेडकर अपने संविधान में इन जातियों को दे दिए हैं। अहिदादा ओ कौम का कान खड़ा हो गई कि अरे महात्मा जी बतौलन नेहरू जी अपने जात वालों को कहो कि इनको जा करके भूल भुलैया में दे दें कि आप लोग छोटे नहीं हैं बड़े हैं, नहीं तो कहीं अम्बेडकर का दिया हुआ ये ले लेंगे तो डीएम पीएम सीएम सारी कुर्सी इनके हाथ में हो जाएगी। यहाँ वह तरज बाम कि आई हो दादा बदल गई दुनिया, अब खाए के पूरी बजार मुनिया, खाए के पूरी बजार लनहर मुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया, अभी साइमन कमीशन पीछे है, तब तक आगे आगे पार्टी चल दिया। कौन सी वो पार्टी थी? यही मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग कि सबको भुलवा दिया जाएगा और अम्बेडकर जो हक आरक्षण दिए हैं इनसे भुलवा करके इन लोगों का दूर कर दिया जाए, नहीं तो डीएम पीएम सीएम सारी कुर्सी ये लोग हासिल कर लेंगे। ए बाबू चल दिए, लिखा गया कि मुख में राम बगल में छुरी, अरे खाए के सतुआ,
राम बगलिए में आगे आगे चल दिए ऊंचा बनाओ अभियान। साइमन की कमेटी अभी जांच करने वाली पीछे है, तब तक ये आगे आगे चल करके भुलवा दे लगे। सबसे पहले हमरा बिरादर की द्वार पर अलन यादव जी लोगन की द्वार पर, हमार बिरादर आगी बार के इकट्ठे बैठ के अपन राय मसाविरा करत रहलन। तब तक ये ब्राह्मणवादी लोग एड़ी पर ले जनेओ माजा तिकुल पहुँच गईलन और पहुँच के कहलन नमस्कार यादव जी नमस्कार। हमार बिरादर कहलन गेरे महाराज का गगरी में डुबावतनी, आज ले हमनी के प्रणाम कैली हैं जा, आप आशीर्वाद देत रहली हैं, आज कमन दिन है कि आप हमार प्रणाम करतने। तब पंडित जी लोग बतावल जे भैया सुना, आज हमने अपनी ज्योतिष में देख ली है जा कि आप लोग तो हमने से ऊंच हुआ। कैसे ऊंच महाराज? कहलन ब्रह्म लोक से ब्राह्मण आ गौ लोक से ग्वाला, मने ब्रह्म लोक से 10 फुट ऊपर गौ लोक बा, वहां से आप लोग आयल हैं तो हमने के न प्रणाम करे के चाहिए। समझावे लगलन कहलन हई अम्बेडकर देतन तवन ले जा, हमार बिरादर कहना जरूर लिहल जाई, उमें हमनों की लेकन के नौकरी लागी, हम लोग भी परसेंटेज के हिसाब से अपना हक आरक्षण पा जाएंगे। कहना पात जाइबा जा, लेकिन बाब हम समझौलन की पात जाइबा जा जरूर, लेकिन धर्म में दाग लग जाई, अम्बेडकर तो चमार है और आप लोग थोड़ा थोड़ा चमार की श्रेणी में आ जाएंगे। वहीं से हमारी बिरादर के भुलवा दिहलन यहाँ फिल्म का तरज है बा मास्टर, पीछा नहीं छोड़ब हम तोहार बलमु, जबले प्यार कौन करबाई करार बलमु, जबले हमारी बिरादर के भुलवा लिहलन कहलन का यादव से कहलन तू महान तब हमारी देशवा का कृष्णा भगवान तब हो हमारी चरावल गाय तू हम चरावे लाओ कई न महाभारत तू बहादुर में आवे लाओ कैला महाभारत तू बाही भैया खानदान तबू हाँ नहीं का भैया खानदान तबू हमारी देशवा का कृष्णा भगवान लाठी ले ला जाम गाय छराब जा यह तो उनका आरक्षण रही। हमारे भगवान को चोर कह दिया कि आपका कृष्ण भगवान बहुत चोर थे,
लेकिन हम समझ नहीं पाए और हम लोग इसी में भूल गए कि अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण अगर ले लेंगे तो हम चमार की श्रेणी में आ जाएंगे। और भुलवा दिया, हम कहा कि अब अपनी मेहरारून के कह दे लोग कोने में से दलिदर टूटा सूप से खेदी लोग तो दलिदर भाग जाई। अरे कोनो सरवा नील गाय थोड़े बाकी खटिया के नीचे कोने में समाइल बा। अरे पढ़ो लिखो जिसका बेटा पढ़ लिख लेगा डॉक्टर इंजीनियर पीएचडी हो जाएगा उसका बिना सूप बजाए दलिदर भाग जाएगा। ए भैया हम इसी में यादव फंस गए। हमार बिरादर पूछलन जे बाबा ए बाबा तनी जाते जाते एगो और बात बताबो। कहलन कौन बात? कहलन हमारे खानदान में और कहुना रहे। कहलन काहे काहे? बलिया जिला में दू गो भाई सौरू लोरिक रहलन 72 किलोमीटर चौपड़िया कूद जात रहलन दिए मौज पर गुर्रा। कहलन जियो शेर क्या खानदान है। यही में यादव भूल गए और बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण से दूर हो गए। समझा के गए कि पीछे कोई आएगा पूछेगा कि ऊंचे हो कि नीचे हो, बता देना कि हम ब्राह्मण से भी ऊंचे हैं, हम गौ लोक से आए हैं। यादव का काम तमाम कर दिया, विकेट गिर गए। अब आगे बढ़लन तोले है हमार राजभर भैया लोग भेटाइल। इहो अपन गगरी खरहर लेके जात रहल लोग शिकार खेले तोले बिचही में पंडित जी भेटा गए लोग। कहलो एम आप लोग के हुआ? कहलो ए सरकार हमनी के तो राजभर हो जा। कहलन ये रे 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 ये बात मत कहो, आप लोग राय साहब हैं, भरद्वाज ऋषि की खानदान के हैं जो रामचरितमानस में जाग बलक से बात किए हैं। उस खानदान का हो करके सुना तो नहीं है ये अम्बेडकर के ले बजा हाँ साहेब लिहल जाये हमनों के हक अधिकार मिली। कहना रे 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 ले ले बजा गलती हो जाई। गलती का होई समझावा तो नहीं है एगो तरज बा मास्टर यहाँ वह कौन तरज बाम कि चलत चलत हमारी चलत चलत हमारी अब कमरा पिराइली भैया गोकुल हो नहीं हरी के तनी बदूर भैया भैया बता दिए लिखा गया गांधी की आधी माँ गांधी की आधी में भूलल भार भैया नहीं जनल न हो बाबा वाला संविधान नहीं भर के बतावल है तो हार सैकड़ो पकीला राजा हुआ आप लोग राजभर हुआ सैकड़ो पकीला भैले पकौड़ी बिना तेल का रंगीला पंडित जी कहो चल के काटल जाई धान बल्कि पंडित जी कहो चल के काटल जाई धान भैया
राजभर को फंसा लिए, अम्बेडकर शमार बना देगा। अगर उनका हक ले लेंगे, आरक्षण ले लेंगे, शमार की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए राजभर को भी बड़ा बना दिया। बारे गजब कलाकार ये सब होते हैं, बना ही दिए। राजभर भी पट गया और आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो एक बिरादरी औरी मिलल, जौन खांची फरुहा लेके अपन चल दिल रहल काम करे। अहर से पंडित जी लोग जात रहल, अहर से वो बिरादरी आवत रहल, बीचे में भेंट हो गई। तो यहाँ वो है तरज बाम कि हम ही मजनु का यार प्यार सिखलाई बुए गोरी। आई है तरह जब चलल रहल तेगो हमार साथी गायक आज दुनिया में नहीं है। बड़ा हमारी उसकी विरह हो रही थी, बेचन राज भर वो गा रहे थे इसी तरज को कि खा गयु लंगरायाम, हाँ खा गयु लंगरायाम दाम कहिया दे बुझ गई। वाह वाह वाह। लेकिन रास्ते में खांची फरुहा वाली बिरादरी से ब्राह्मणों ने पूछा, नमस्कार, आप लोग कौन हैं? वो लोग बताए कि सरकार हमनी के लोग नोनिया कहेला। कहना रे नोनिया नहीं है आप, पृथ्वीराज की खानदान के आप लोग हैं। जो पृथ्वीराज पूरब देखते थे और पश्चिम बाण मारते थे, उस खानदान का होकर के सुन रहे हैं अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण लेंगे। हाँ लेंगे। कहलन के रे बाप ले लेंगे, लेकिन चमार की श्रेणी से तो आप ऊंचे हैं, और ले लेंगे तो थोड़ा आपको अम्बेडकर चमार बना देंगे और उस वीरता के बहादुरी में दाग लग जाएगी। कैसे समझौलन गैले भेटाई चौहान शान में कूदे लगले। अनुनिया से कहला का आरक्षण ले पे जालो, आप पृथ्वीराज वाला खानदान तू कहा लो, पृथ्वीराज वाला खानदान तू कहा लो, पृथ्वीराज वाला खानदान तू कहा लो। अरे बत्तिए में हो गए दीवान, आ बत्तिए में हो गए दीवान शान में कूदे लगले। चौहान भी कट गया, लोहार लोग मिलल। लोहार से कहलन आप लोग विश्वकर्मा भगवान के खानदान के हैं, ये लकड़ी गढ़ो। बीच में कुहार मिलन, कहलन आप लोग यह भरुका गगरी बनावा, आरक्षण लेके चमार मत बना, अम्बेडकर चमार बना देगा। मल्लाह मिलन, मल्लाह से कहलन कि आप लोग तो भगवान को पार किए हुए हैं, आरक्षण ले लेंगे तो चमार की श्रेणी में आना पड़ेगा। जो भगवान राम पार उतरा, लेकिन आज तक उस मल्लाह की खेवाई नहीं दिया। तुलसीदास भी अपने रामचरितमानस में लिखे हैं कि उतरी खाड़ भय सुर सर्रे तासिया राम गुहलखन समेता, केवट उतरी दंडवत किन्ना प्रभु सच्चे कछुए ही नहीं दिन्हा। केवट इतना ईमानदार था कि पार होते समय कुछ नहीं लिया, पार कर दिया। लेकिन आज वही मल्ला दर दर मारा फिर रहा है, और वह राम लंका से चला गया।
मल्ला है आज तक घाट पर खोज रहा है, ए भैया उनको भी नहीं मिला। इसी तरह 85 जातियों को नहीं मिल पाया, इसलिए कहना है क्या, अब एक बिरादरी औरी मिल गई रास्ते में। भंटा तुरत बिरादरी रहल एजा कवन तरजबा मास्टर बाबाई है हो किला के नाम हाई रतिया सूती तक ले के मन बिगाड़ देले बालू चुम्मा दे के मन बिगाड़ देले बालू आखिर ई बिरादर भंटा तुरत में कुशवाहा लोग मिल गेलन। आ जब कुशवाहा मिले ब्राह्मण जाकर के नमस्ते किए और कहे कि आप लोग कौन हैं, हमार कोरी भाई लोग कुशवाहा लोग बतौलन के सरकार हमने के तो कुशवाहा हैं जा। कहना रे बाप सुना तनी है ये अम्बेडकर का दिया हुआ है आप लेंगे? हाँ हम लोग लेंगे, हम लोग भी आरक्षण के हिसाब से अपनी नौकरी पाएंगे, हम लोगों की बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, हम लोगों का हक अधिकार मिलेगा। कहलन की ले लेंगे ये तो बात ठीक है, लेकिन आप किस खानदान के हैं? खानदान बताया उन्होंने, क्या बताया, भंटा तुरत में कुशवाहा भेटाई, भंटा तुरत में कुशवाहा भेटाई, बाबा रची के किए हैं गुरुवाई। आरक्षण ले बे जालो सम्राट अशोक के वंशज कहालो देव धर्मावा में दगिया लगाई, देव धर्मावा में दगिया लगाई, बाबा रची के किए सम्राट अशोक बहादुर की खानदान है आप लोग, अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार लेंगे तो चमार बनना पड़ेगा। ए भैया कुशवाहा को भी भरमा लिए लोग और भ्रम पैदा करके आगे पहुंच गए तो धरती पर सबसे चलहांक जात मिलल। और चलहांक जात धरती पर कौन बा, ई जब तरह चलल रहल मास्टर न तो एक गो गवैयन का एक गो स्पेशल तरज रहा। एक बनारस के रामदेव गुरु गावे का गावत रहा कि कथवा का पुतरी अब सरा गवा से उतरी, पुतरी तो हके लेके, पुतरी तो हके लेके डलबे दी हवा पर मरैया, पुतरी तो हके लेके।
हमारे उस्ताद बुल्लू जी गावे का किन भैला पिसाना, अरे किन भैला पिसाना, बनत नहीं के रोटी आया अधियारे घरवा, अधियारे घरवा, मुसरी लोटे ले बेलनवा, अधियारे घरवा। बोलो बोलो साथियों, सारी जातियों को पढ़ाते सबसे धरती पर चलहांक जात कहां गए अतर जी है बम कि कैला बनिया जी भेदाई बोले पंडित जी सुनाई का सुनाई नितवा का सुनाई नितवा सब ही बतिया में भुलाई का दियाई नितवा कहलन सुना तू तो महाजन का जात सबसे बड़का कहत का दियाई नितवा तनी देख पगलाई का दियाई नितवा ए भैया महाजन को बता दिए कि आप धरती पर सबसे बड़ी जात के हैं और आप लोगों के पास गोदाम है अम्बेडकर का दिया हुआ लेंगे तो आप महाजन नहीं रह जाएंगे अब छोटा जन आ जाएंगे छोटा जन हो जाएंगे अब वही में बनिया लोगन में बाभन चार थपरा के उपायो लिख दियलन वही बनिया में के लिखलन कि वो मैं एक बतवला तेली कहलो एक फाल ना ठेली का सुनाई नितवा ओ में गो तेली जात के बता दियलन कि तेली का मुंह देख लेबो त जतरा खराब हो जाई गदहा का मुंह देख लेबो त नीक हो जाई मने तेली लोगन के मुंह से बढ़िया गदहा का मुंह बा और जतरा खराब हो जाई चार थप्पर को उपायो लिख दे हलन कि तेली जातन दांत नहीं खे देखावत तो कह जे दांत दिखाओ कहला से के दांत ना देखावेला पटक के गलफर चीरा दांत देखो तब तनी तनी जतरा होई आ नहीं चार थप्पर मारा यहाँ यहाँ करी है तब जतरा ठीक हो मेरे कहने का मतलब कि इसी तरह से सारी जातियों को 85% की जातियों को जो आज कह रहे हैं कि अम्बेडकर केवल एक ही जात को दिए नहीं मित्रों लेने वाले की कमी है देने वाला दाता तो सबको दिया लेकिन हमारे पूर्वज अनपढ़ गंवार थे पढ़े लिखे नहीं थे समझ नहीं पाए चंद चालाक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने उन्हें भरमा दिया आज भी भ्रम के आप शिकार हैं बिहार के तरफ देखिए बिहार में लालू यादव जेल में हैं क्या गलती किए हैं कोई गलती नहीं हाँ एक गलती उनकी जरूर हुई कि अडवाणी जब रथ लेकर के निकले थे तो शेरे बिहार के लालू यादव ने उन्हें जेल में बंद कर दिया आज उसी का बदला ये सरकार चुका रही है उन्हें जेल में डाल करके तो आप कहते हैं कि अम्बेडकर नहीं दिए लेकिन अम्बेडकर सबको दिए इसीलिए अब जो है ब्राह्मणवादी वहीं से बैक होना शुरू कर दिए कि अब दूसरे को क्या समझाना अब चलो यहाँ से ब्राह्मणवादी तो बैक हो गया लेकिन अब पीछे से साइमन कमीशन चल दिया जांच करने के लिए जब जांच में निकला है तो पाया क्या यादव के यहाँ आया और कहा कि आप लोग क्या आरक्षण लेंगे
कलन भग जाओ। हम लोग तो ब्राह्मण से ऊपर की खानदान के हैं, ब्रह्म लोक से ब्राह्मण है और गौ लोक से हम लोग हैं। हम लोगों को नहीं चाहिए साइमन कमीशन, वापस जाओ। साइमन कमीशन गो बैक का नारा देश में लग गया। तो लिखा गया यहाँ है तरज बाम कि बोल जनी बोला, बोल जनी बोला पपीहरा हरी के, बोल जनी बोला सारी जातियों को पढ़ा करके ब्राह्मणवादी हम लोगों को भुलवा कर, हम लोगों को फंसा कर और हमसे दूर कर दिया। मेरे हक हिस्सा को अकेले लूट लिया और लूट करके हमसे कहा कि तुम लक्ष्मी की पूजा करो, कुबेर महाराज की चाबी मिलेगी, तिजोरी खोलो और पैसा पा जाओगे। लेकिन मैं पूछता हूँ ऐ दुनिया के लोगों, लक्ष्मी पूजा मनाने से, एक दिन सौ दिया तेल जलाने से हम अमीर नहीं हो सकते। सौ टाइम तरकारी बनाएंगे, सौ दिया तेल बच जाएगा। इसलिए हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं कि दिया बार के लक्ष्मी हमारी माताएं बहनें खोजती हैं, लेकिन लक्ष्मी का ड्राइवर सवारी जो है उल्लू है और उल्लू को रोशनी में दिखाई नहीं देता। तो हम दिया बार के यादव जी, दिया बार के अजब लक्ष्मी के बोलौले जा तो उल्लू दुआरी पर आइल, हो गई आन्हर हेले के दुआरी में, हेल जाई पिछुआरे बसवारी में और कहीं लड़ा दी हलत तो लक्ष्मी का थुथुना भुबुना कुल फूट जाई। लेकिन वो कर लक्ष्मी कभी ना घटी, ये कर लड़का आधा पेट खिया के आप पढ़ा देब और लिखा देब, लड़का डॉक्टर इंजीनियर पीएचडी हो जाई, दौलत आवे लगी घर में, लक्ष्मी का भंडार भर जाई, बिना सूपे पीटल बिना दिए जरावल लक्ष्मी तुहरी घरे आ जाई। ओके ना हमने देखली, हमने यही फेर में पर गई जहाँ गजब गजब व्यवस्था में हमनी के डाल के आज ले भूलवावतन। आज अब कोरोना का डर एगो चलल बाम, मंदिर में पूजा करावतन, मंदिर बनेगा, सारा चीज लगा है, लेकिन मंदिरों को अब ताला बंद के लिए बना जो भीड़ मत जुटावत तो भगवान और देवता का करत हूँ कि कोरोना चीन से चलल बाम आई जा के देवता फेल हो गई बना। यही से बाबा साहब अम्बेडकर अपने जमाने में नसबंदी कर दिया कि आज से कोई देवता नहीं पैदा होगा। ए बाबू पढ़ा लिए ब्राह्मणवादी और पढ़ा करके चल दिए तो लिखा गया कि आज दसवा में, आज दसवा में बयरिया उल्टी बहल दसवा में, बाबा साहब अम्बेडकर हम सबका हक दिए, हम ले नहीं पाए तो आज बाबा साहब को दोष लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़े एक जाति मिली भाई, आगे
अरे लिहल चमार उनको माथ पर उठाई, उल्टी बहल दे सवा में महादुर जी पे रहो आगे। साइमन कमीशन पूरे देश में घूम गया, यादव इनकार किया नहीं हम चमार नहीं बनेंगे। राजभर चौहान मल्लाह लोहार कुहार सारी जातियां 85% की इनकार कर गई, एक ही जात धरती पर बहादुर को मिली जो बाबा साहब अम्बेडकर को मान लिया, वो भी 100 में 100 नहीं सिर्फ 17 जातियों ने बाबा साहब को अपना लिया। 17 चमारों ने कैसे अपनाया, यहां हुए तरज बाम कि जमन मजाम जमन मजयाम की चटनिया जमन मजयाम की चटनिया तमन सो बधनिया में नहीं। जियो लाल बहादुर हो शेर हुआ सोबा धनिया में नहीं जमन मजा अपनी परनिया हाँ जमन मजा अपनी परनिया तमन का सपनिया में नहीं जमन मजा अपनी साइमन घूम रहा है देश में दे रहा है हक, लेकिन ये सारी जात इनकार करती जा रही है। अब बनिया वर्ग में त्योरी पढ़ा दिहलन, बनिया लोगन के सबसे ज्यादा ठगलन, नौकरी से दूर कैलन, कहलन सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनो भंडार भरा रहेगा। ई भंडार भरलन ब्राह्मण बतौलन कि जितना तोहन उनका सरल गड़ी छोहारा ढोला कीड़ा पड़ जाई ओके हमने का चैत रामनवमी में धार बना के बिकवा दिहल जाई आ माई बहिन ले जाके भवानी माई के छाक दे दी हन। अरे आज ले भवानी माई हमार जी भिना कटली भैया धरती पर आ हम रेल के गावत हई हमसे गावे में एक MLC काशीनाथ जी हमारे जोड़ीदारी में गाते थे और मान्यवर कांसी राम दोनों को चला दिए और जमाना आयाम तो उनको विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की ऊंची काउंसिल में भेज दिए और 100% यादवों को दिया और वह हमारी कौम छितरा गई है इधर से उधर भटक रही है। आखिर क्यों 85% के लोग हो हिले लो हिस्सा, अखिलेश यादव भी नहीं समझ पा रहे थे लेकिन जब उनकी कुर्सी धोवा दिया इन ब्राह्मणवादियों ने वो भी समझ गए कि हम अगड़ा नहीं है हम भी पिछड़ा है। चिल्ला करके कह रहे हैं दुनिया के अंदर जरा सोच लो यारो, यही कहा लेकिन रास्ते में
साइमन जब गया एक जातियों की बड़ी दुर्दशा देखा, वो कौन जात थी? रहिया में मिलन चमार हो, आ रहिया में मिलन चमार हो, कैले स्वीकार मोरे भैया। रहिया में मिलन कहलन आले बरक्षण उनकी मान गईले बतिया, आ बाबा अंबेडकर हुए धरती कथतिया, कैले स्वीकार मोरे भैया, कैले स्वीकार मोरे भैया। ले लिहले अपन अधिकार हो, ले लिहले अपन अधिकार हो, कि कैले स्वीकार मोरे भैया। अपना अधिकार धरती पर चमार जात के लोगों ने ले लिया। 17% जब उनको मिला और 17 चमार के बेटे को नौकरी मिलने लगी, 17 चमार के बेटा डीएम एसपी कलेक्टर होने लगा, तो अब इन जातियों का माथा ठनका कि अरे भाई चमारों के लड़कों को वजीफा मिल रहा है, ये कैसे मिल रहा है? तब इन्होंने अब आज सोच रहे हैं कि हम काश अगर उस दिन ले लिए होते आज मेरी भी दशा यही होती। इसीलिए तो लिखा है कि मंदिर के दरवाजे पर जाएंगे, मंदिर के दरवाजे पर जाएंगे, लाखों लाख भिखारी मिलेंगे। अगर अंबेडकर के दरवाजे पर जाएंगे तो क्लास वन के अधिकारी मिलेंगे। अब अधिकारी बनना है कि भिखारी बनना है, आप स्वयं अपना रास्ता चुन लें। दुनिया में दो ही रास्ता है, एक तरफ मनुवाद, एक तरफ अंबेडकरवाद। दोनों रास्ते पर चलेंगे कहीं का नहीं होंगे। अगर एक रास्ते पर चलेंगे तो आपको हर चीज प्राप्त हो सकता है। इसीलिए लिखा कि बेईमानी ग्राहक टेरी बा मास्टर, बेईमानी बड़का भैया के सुझल लेके हमारे हिस्सा का तोला बड़ैया, बेईमानी बड़का भैया के ए भी हम हमारा के कुछ ना दिहला, अब तोहरे कर्म में हीरा बान, अब 27 से का होई ऊट के मुँह में जीरा बाम, घर द्वार मंदिर मस्जिद में होते हृदय में पीरा बाम, आ 27 से का होई ऊट के मुँह में जीरा बाम। साथियों आज थोड़ा घना कुछ मिला तो भी इनको पीड़ा हो रही है। आखिर हम लोग कैसे जिए, कैसे अपना यापन होगा? बाबा साहब अंबेडकर ने तो सबको दिया, लेकिन लेने वाला लिया और न लेने वाला आज संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। और 50.5 अकेली बड़ी जातियों के लोग ले लिए और 49.5 में 85% भटक रहा है। आखिर ये हालात क्या होगी, आगे की भविष्य सोचिए, कैसे आप इसको प्राप्त करेंगे?
आज आरक्षण से दूर किया जा रहा है, संविधान की प्रति जलाई जा रही है, जो परम पूज्य बाबा साहब ने धर्म निरपेक्ष संविधान सबको दिया था। ए भैया, तो इसीलिए कहा है आखिरी प्रमाण बा गीत का कि बाबा संविधान आज बोलावे मितवू, आज वही संविधान को बचाना है और संविधान को बचा लेंगे सारा हक पा जाएंगे आप, अपना राजा बना लेंगे आप। अगर 85 जातियां इकट्ठा हो गई तो किसी तूफान से टकरा करके अपना हक ले लेंगे। इसीलिए कहा है कि बाबा संविधान आज बोलावे मितवू, अतोह के गरवा से गरवा लगावे मितवू। साथियों, 6 दिसंबर 56 के छवल सिंहधेराम लिहल उठाए बाबा साहब अपन डेराम। 6 दिसंबर 56 को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया से पेट में दर्द हुई और चले गए, लेकिन संविधान में कलम तोड़ पॉइंट लिख करके गए कि साइमन कमीशन जो बताया था कि ये लोग बड़ी जात हैं, बाबा साहब को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने कलम तोड़ पॉइंट लिख करके गए संविधान में कि आज तो नहीं, लेकिन जिस दिन ये 85% के लोग पढ़ लिख करके जागरूक होंगे और अपने हिस्सा को जानेगा तो देश में लड़ाई ठान देंगे। कौन सी लड़ाई? ये लड़ाई नहीं, वोट की लड़ाई। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक वोटर बनाया। लंदन में जाकर कचहरी में, लंदन की कचहरी कोहराम को मचाए, बाबा साहब एक एक वोटर बनाए। वोट से अपना राजा चुनो और तेरा राजा होगा, राजपाट तेरा होगा। तो यही वोट के अधिकार को बतावे मितवू, आज आपन संविधानवा बचावा मितवू। संविधान को बचा लेंगे, यही आपकी उपलब्धि है। संविधान बचा लो साथी, खतरे में आज आजादी ना तो लूट ली है दसवा के आज के मनुवादी। बेईमानी बड़का भैया के सुझल रविंदर के बिरहा का तपल बा कमैया, बेईमानी बड़का भैया के।